हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स। सो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर एमएससी फिजिक्स। तो एमएससी फिजिक्स के बाद जो गवर्नमेंट जॉब है उसके बारे में डिस्कशन जो है वो डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो आपका 3 इयर्स का बीएससी होता है एंड 2 इयर्स का आपका एमएससी होता है। देन एमएससी के बाद आप कौन से गवर्नमेंट जॉब जो है वो आप कर सकते हैं। तो उसमें पहला जॉब जो है वो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। तो पहला जॉब जो है आपका वो है असिस्टेंट प्रोफेसर। दैट मींस आप एमएससी फिजिक्स के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो बन सकते हैं। बट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर उसके लिए एक एग्जाम है, दैट इज द सीएसआईआर नेट। वो सीएसआईआर नेट एग्जाम जो है आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। इफ यू क्वालिफाई दिस एग्जाम, ये एक रिटन एग्जाम होता है। तो ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उस पोजिशन को आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इसी में ही सीएसआईआर नेट में आपको जेआरएफ होता है, सीएसआईआर जेआरएफ। अगर आप सीएसआईआर जेआरएफ हो गए हो तो आप पीएचडी भी कर सकते हो। तो आपको इसमें फेलोशिप भी मिलती है 35,000 to 40,000। तो इनिशियली 2 ईयर में आपको जेआरएफ मिलती है एंड देन आपका प्रोजेक्ट जो है आपका काम उसको देख के आपको एसआरएफ जो है, ये एसआरएफ जो है वो भी आपको मिलता है। ठीक है। सो देन नेक्स्ट जो है वो है गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जामिनेशन के थ्रू भी आप पीएचडी के लिए जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी अगर इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे आप साइंटिफिक ऑफिसर जो है वो आप बन सकते हैं बाय यूजिंग दिस गेट एग्जाम। बट गेट एग्जामिनेशन में आपका जो रैंक है वो रैंक अच्छा होना चाहिए, बिकॉज इसमें भी अच्छे खासे कॉम्पिटिशन जो है कॉम्पिटिशन होता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपके गेट के स्कोर पे, आपके गेट के रैंक पे आपको जो है एक साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जो पोजीशन है उसके लिए आपको जो इंटरव्यू है डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए आपको बुला सकते हैं। सो गेट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके थ्रू आप साइंटिफिक ऑफिसर जो है बन सकते हैं। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बीआरसी। तो फिजिक्स के फील्ड में एवरी ईयर इसमें जो साइंटिफिक ऑफिसर की जो वैकेंसीज जो है वो वैकेंसीज निकलती रहती है। तो इनका एक रिटन एग्जाम होता है, वो रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। देन इंटरव्यू में आप क्वालिफाई हो गए तो आप साइंटिफिक ऑफिसर जो है साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एक गवर्नमेंट जॉब है। एवरी ईयर इस पे जो वैकेंसीज है वैकेंसी निकलती रहती है। तो आप हमेशा ये जो वेबसाइट है इनके वेबसाइट पे आप विजिट करते रहिए। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको पता नहीं होता, दैट इज द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में भी आप उनके रिटर्न एग्जाम रहते हैं एंड जो इंटरव्यू जो है ये इंटरव्यू भी यहाँ पे जो है ये करेक्ट जो कंडक्ट जो कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे भी एमएससी फिजिक्स के बाद जो है आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। एमएससी फिजिक्स के बाद इनका भी एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू एंड देन आप यहाँ पे भी जो है आपको एमएससी फिजिक्स के बाद गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। ठीक है। देन नेक्स्ट जो है वो है सी, इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर। तो ये इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर में भी आप एमएससी फिजिक्स के बाद इनका भी एक रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू। तो आप साइंटिफिक ऑफिसर के लिए इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर, तो ये जो है यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर एमएससी। इनका एक रिटन एग्जाम होता है एंड देन इंटरव्यू होता है। दिस इज द थिंग्स। सो ये जो सारे रिसर्च सेंटर है यहाँ पे आपके एप्लीकेशन जो है ये एप्लीकेशन, ये इनका कुछ फिक्स टाइम नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं। दैट्स व्हाई आपको अलर्ट रहना है कि इनकी वेबसाइट पे आपको हमेशा ध्यान दे के रखना है कि कब नोटिफिकेशन आ जाएगा कब नहीं आएगा, क्योंकि इसके रेगुलेटरी नहीं है। जैसे कि सीएसआईआर नेट जैसे कि जून दिसंबर होता है, वैसे यहाँ पे जो वैकेंसीज निकलती है इनकी रेगुलेटरी नहीं है, कभी भी निकल सकते हैं। तो आप जो है इनके जो वेबसाइट उस पर सर्च करते रहिए एंड आप गवर्नमेंट जॉब अलर्ट ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे भी आप खुद को साइन इन करके रखिए। सो दैट कोई भी गवर्नमेंट जॉब अगर आ गए तो उसके बारे में जो आइडिया जो है ये आइडिया आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। नेक्स्ट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। तो यहाँ पे भी एमएससी फिजिक्स के बाद वैकेंसीज जो है वैकेंसीज
होती है, तो आप इनके वेबसाइट पे भी जो है वो विजिट करते रहे। एमएससी फिजिक्स के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, यहाँ पे भी एमएससी फिजिक्स के बाद वैकेंसी जो वैकेंसी रहती है, तो मैं पहले बोल रहा हूँ आपको कि इनकी नोटिफिकेशन जो है कभी भी आ सकती है, तो हमेशा आप अलर्ट रहिए कि आप इनकी वेबसाइट जो है वेबसाइट पे आप विजिट करते रहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो है टीएफआर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो टीएफआर में आप पीएचडी जो है पीएचडी कर सकते हैं। उसके लिए टीएफआर एक एग्जाम जो है एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उस एग्जाम के थ्रू आपका जो है आपका पीएचडी के लिए सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन किया जाता है। वन मोर आपको गवर्नमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, दैट इज अ जियो फिजिक्स। तो जियो फिजिक्स की भी एग्जाम है वो एवरी ईयर होती है, उसके लिए एमएससी फिजिक्स होना जरूरी है। एंड देन वहां पे आप ग्रुप ए साइंटिफिक ऑफिसर जो है आप बन सकते हैं। वो एग्जाम जो है वो जियो फिजिक्स का वो एवरी ईयर होता है, तो आप जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को विजिट करते रहिए। देन नेक्स्ट जो है वो है इसरो। सो मेनी स्टूडेंट्स जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स, उनका सपना होता है कि वो इसरो में एक रिसर्च जो है या साइंटिफिक ऑफिसर है जो बने। तो इसरो की भी एग्जाम रहती है, तो एग्जाम के बाद इंटरव्यू एंड ऑल दोस थिंग्स जो है वो रहता है। बट अगर आप यहाँ पे अगर अप्लाई करो तो आप रिसर्च जो है रिसर्च साइंटिफिक ऑफिसर जो है आप यहाँ पे बन सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट जो गवर्नमेंट जॉब है दैट इज द स्कूल टीचर। सो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब आप स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करते हो तो नेसेसरी ये है कि आपका जो बीएड है ये बीएड होना कंपलसरी है, आपका एमएससी फिजिक्स एंड देन उसके बाद बीएड जो है बीएड होना कंपलसरी है। देन एंड देन आप स्कूल टीचर के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो स्कूल टीचर के लिए बीएड जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दिस वे आप स्कूल टीचर, इसरो, टीएफआर, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, देन इंदिरा गांधी रिसर्च इंस्टीट्यूट, देन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बीएआरसी, गेट, सीएसआई, जेआरएफ, इसके बाद आपको फेलोशिप मिलती है, सीएसआई, यूजीसी नेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। सो दीज आर द गवर्नमेंट जॉब। तो इतने सारे गवर्नमेंट जॉब है, आप हमेशा इनके जो साइट है इनके वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, बिकॉज ये जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग्स अबाउट द गवर्नमेंट जॉब। एंड आप इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकॉन को दबाना भी ना भूलें, सो दैट ऐसे हम जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज है आपके सामने लाते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ लर्निंग।